तो देखिए फोन लाइन पर मुख्यमंत्री चुनने की कवायद आम आदमी पार्टी ने पंजाब में शुरू कर दी है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि भाई जिन भगवंत नाम को मान को अब तक माना जा रहा था कि वो पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम उम्मीदवार की रेस में सबसे आगे हैं, क्या उनका पत्ता यहां से कट जाएगा? एबीपी न्यूज का कार्यक्रम घोषणा पत्र, घोषणा पत्र में भगवंत मान से जब पूछा गया कि क्या वो सीएम बनेंगे तो उनका जवाब क्या था, जरा ये सुनिए पहले आप। क्या भगवंत मान को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर मौका मिल रहा है या नहीं? देखिए, आम आदमी पार्टी आम लोगों से निकली है, हमारे जितने भी एमएलएज हैं चाहे दिल्ली में हों चाहे पंजाब में हैं, आम लोग मोस्टली जो हैं वो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं। बाकी पीएसी डिसाइड करेगी किसको मौका मिलेगा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दो बार एमपी बनूंगा और देश के प्रधानमंत्री या देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में मुझे बोलने का मौका मिलेगा। तो क्योंकि आर्टिस्टों को तो ये पहले समझते ही नहीं थे कुछ। जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तब भी मुझे मजाक किए जा रहे थे कि ये भी इलेक्शन में खड़े हो गए, लेकिन ये तो सिर्फ भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, इनको वोट नहीं पड़ते। जब 2.25 लाख से हारे और बड़े बड़ों की जमानतें जब्त हुई तब उनको पता लगा कि हाँ जमानतें जब्त करवा देते हैं ये भी, इनको वोट भी पड़ते हैं। तो पार्टी जो भी डिसाइड करेगी डिसीजन लेगी मैं उसके साथ हूँ। आप सीएम का चेहरा बनना चाहते हैं ना? वैसे है जी, आप सीएम का चेहरा बनना चाहते हैं ना? अगर पार्टी मुझे इस काबिल समझेगी, अगर पार्टी मुझ पर इतना विश्वास करेगी कि मैं एक बहुत बड़ा पद होता है सर, स्टेट का फर्स्ट सिटीजन होता है, बड़े डिसीजन लेने होते हैं, अगर पार्टी ये समझेगी विश्वास करेगी तो क्यों मना करूंगा। आप उस ओहदे लायक अपने आप को मानते हैं? हैं जी, आप उस ओहदे लायक मानते हैं कि भगवंत मान उस ओहदे के लिए तैयार हो चुका है? देखिए, काबिलियत की जिक्र कर रहे हैं आप। देखो, काबिलियत जो है ना वो तो भगवान की तरफ से आती है। क्या चन्नी ने सोचा था कि मैं ये बन जाऊंगा और मुख्यमंत्री बन के कह रहा है मैं बस चला लेता हूं, मैं खंभे पे चढ़ जाता हूं, मैं बांदर कीला खेल लेता हूं, मैं गिल्ली डंडा खेल लेता हूं, इस मुद्दे पर तो नहीं बनाया गया ना उसको। अबे आप विजनरी हो तो विजन दिखाओ ना पंजाब का। तो इसलिए हर कोई आदमी चाहता है तरक्की करना। अगर मेरी पार्टी, मेरी पिछली बार मेरी ड्यूटी लगा दी जलालाबाद से सुखबीर बादल के खिलाफ लड़ने की, मैंने निभाई और लगभग 60,000 वोट पड़े। आज तक सुखबीर बादल कह रहा है यार इतने वोट कहाँ से आ गए। तो इसका मतलब ये है कि मैं कहीं डरता नहीं हूँ किसी बड़ी चुनौती को स्वीकार करने में। और अगर मेरी पार्टी मेरी ड्यूटी लगा देगी कि दीवारों पर पोस्टर चिपकाने हैं, मैं वो भी चिपका दूंगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।